कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। और मैं जया पाठक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल जया की खुशी और गम में। तभी मैं छत पे आई थी, कुछ काम था और ऐसे ही देख रही थी बस। और फ्रेंड्स सब आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी लोग ठीक हैं। और आज हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है अभी। एक्चुअली हम लोग रूम की सफाई कर रहे थे, पूरा रूम खाली कर किए थे, उसको भी करना है, सारा पैकिंग वगैरह भी करना है, तो इसलिए हम लोग पूरा सामान खाली किए हैं और बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स एक जगह से मतलब हट के दूसरे जगह शिफ्ट होना बहुत वो होता है। और यहाँ देखिए मेरे लिप्स रेड स्किन सब निकल रहा है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्कैनिंग होता रहता है। तो सो फ्रेंड्स अभी हम लोग को बहुत सारा काम था, तो अभी तो हम लोग नहाए भी नहीं है। देख सकते हैं मैंने कल आयलिंग किया था अपने बाल में, और मुझे इसलिए मेरे फैमिली में सबके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, बस सिवाय मेरे दादी के बाल बहुत लंबे लंबे थे यहाँ तक थे, और मम्मी के भी लंबे हैं, छोटी गोली सबके लंबे हैं, बस मेरे बाल छोड़ के। और फ्रेंड्स तो अभी हम यहाँ पे सारा काम निप कर चुके हम लोग, और ये रूम का सारा पर्दा वगैरह सब पर्दे धुल लिए थे हम। और मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को क्या देखिए, ये पर्दे भी धुल लिए थे और यहाँ पे सारा सब कुछ निकाल के खाली हुआ है। और ये पूरे दो बोरे में केवल हम लोग के फुट इसमें पूरा फुटवेयर है हम लोग का सब, और बस ये दो बाहर निकाला जो हम लोग रेगुलर अभी यूज कर रहे हैं, और सब कुछ है हम लोग का जो सही करना है। और सब कुछ सही हो गया, पूरा रूम भी साफ कर दिए हैं ताकि हम लोग रूम जब छोड़े तो हमारे कनमाल की आंटी अंकल जो भी हैं उन लोग को ये बुरा ना लगे। मतलब ये ऐसा वैसा हम लोग कुछ गंदगी नहीं किए उनके रूम में, कुछ हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए हैं, सब जैसा था वैसे ही है। और हम लोग को खुद गंदगी नहीं पसंद है। और आज आंटी मतलब आई भी थी, मिली भी हम लोग से, और वही बात हुई, सब कुछ बहुत अच्छे थे। अभी मकर मालिक भी हम लोग के बहुत अच्छे थे जो भी जो हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं उन लोग। इतने दिन हम लोग रहे, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, और तो यही सब चल रहा था फ्रेंड्स। और इधर पूरा रूम खाली हो चुका है और सब साफ भी कर दिए, बेड वगैरह फिर से लगा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए सारा पैक हो चाहिए, हमारी नोट्स बुक वगैरह जो चार झोले में थैले में भरे हुए हैं, और ट्रॉली में मेरे कपड़े हैं बैग में। और इधर शम्मा है जो अभी नहाई नहीं है, शम्मा गाना सुन रही है अभी, वो भी नहाएगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए मैं मेरी पहली पिक है। और ये घड़ी देखी मुझे गिफ्ट मिली थी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, पिंक कलर की थी। और फ्रेंड्स ये हम लोग का पहला पिक है जब हम लोग एप्रन पहने थे मेडिकल कॉलेज में जब पहुँचे थे। इसको मैंने अल्ट्रासाउंड जो उस जो कलर वाला फिल्म निकाला जाता है ना उस पर मैंने प्रिंट निकाला है इसका, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसको हम लोग रूम में लगाएंगे। और ये हमारा मिरर है जो हम लोग के साथ जाएगा, बहुत पसंद है। और ये देखिए अपने बर्थडे वाला मैंने यहाँ लगाया हुआ था, ये भी ये तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, बर्थडे वाला ऐसे ही रहेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये जो मेरा टैडी है इसको मैंने यहीं से लिया था। और इसके जो ये जैसे इसको सर्वाइकल के पास देखिए ऐसे होता है, मतलब ये सीधा बैठ नहीं पाता है, पीछे से भी खुल गया है। तो अगर देखूंगी यार टाइम मिले तो इसको भी ले जाऊंगी और इसमें और डलवाऊंगी। एक बार मैंने गया मतलब बात भी की थी उससे जो जहाँ से लिए थे, वो बोलेंगे ठीक है आप लाइएगा मैं लगा मतलब और इसमें कॉटन फिल कर दूंगा, तो कॉटन अंदर से भर देने पर थोड़ा सा सही हो जाएगा। वैसे है तो बहुत प्यारा बट अच्छे से वो नहीं होता है। और फिर मैंने ये दो फिर ले लिया क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद था, तो इसको घर ले जाना है। वो जो दोनों लिए थे पहले उसमें मैं घर लेती गई, और ये अब दोनों हम घर ले जाएंगे अपने। और फ्रेंड्स ये रूम बहुत अच्छा था हम लोग का, वेंटिलेशन बहुत अच्छा था, यहाँ से देखिए ऐसे खिड़की। ये भी पर्दा मैंने धुल लिया है, और ये देखिए यहाँ से ऐसे दिखता था, बहुत प्यारा था, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ से सारे नोटबुक वगैरह हम लोग हटा लिया फ्रेंड्स, ये मेरा गुल्लक है। और यहाँ देखिए और ये कपड़ा भी सब कुछ पैक हो गया, जो बस पहनना है उतना ही बचा हुआ है हम लोग को, और सब इधर सब कुछ पैक है। और इधर भी सुबह से अभी तक का काम, और अब मैं चलूँगी बाथरूम में, हेयर वॉश भी करूँगी। और फ्रेंड्स हमारे रूम से मतलब एक बोरा तो बस कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बॉटल निकला, वो सब हम लोग चला मतलब ले जाके बाहर रखे कूड़े वाले को। और एक बोरा तो डिलीवरी से जो चीज़ें मंगाते थे उसके पैकेजिंग जो होती थी कार्टून वगैरह टाइप में, वो सब था, सब मैं हम लोग ले जाके उसको नीचे रख दिए, कूड़े वाले भैया को दे दिए। तो यही था हम लोग का, और भी हैप्पी लास्ट वीडियो हो इस रूम में की, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया, सब कुछ बहुत अच्छे से शेयर किया, बहुत अच्छा रूम ऐसे बहुत अच्छा था। और फ्रेंड्स हम लोग जहाँ गए हैं वहाँ पे दो रूम खोजने पे इतना मतलब इतना महंगा रूम मिल रहा है, इतना रूम मिल रहा अभी तो
बहुत ज़्यादा महंगा रूम मिल रहा है उस साइड, 7,000 8,000 10,000। तो देखते हैं क्या करते हैं, कौन सा कैसा लेते हैं। इतना हम लोग रूम, इतना महंगा रूम लेके क्या ही करेंगे, रहना ही कितना हम लोग को, दिन भर तो ड्यूटी करना होता है, सुबह शाम रहना होता है, मस्ट देखते हैं। सो एक सोच रहे हैं सेपरेट रूम हो जिसमें किचन लैट्रिन बाथरूम एक रूम हो, तो बहुत इनफ है हम लोग दोनों लोग के लिए। अगर नहीं होगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो दोनों साथ में लेना पड़ेगा दो रूम का। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना लोगों के, एक्सपेंसेस भी वैसे बढ़ते जाते हैं। तो यही हाल है हम लोग के साथ। खुद पकड़ लिया शो में, कह रही चलो गाना लगाओ डांस करेंगे। डांस करोगी किस गाने पे? पूछ रही जैसे हम डांस कर रहे हैं, कूदना ये किसी भी गाने पे कूद लेंगे तो पता नहीं क्या हुआ है। एक्चुअली हम लोग बीच में मतलब वेट लॉस करने के लिए, पेट वगैरह अंदर हो जाए इसके लिए हम लोग डांस भी करते थे, बट इस टाइम तो हमारा रूटीन कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है तो इसलिए हम लोग डांस नहीं कर रहे हैं। और आज तो मैं करेगी डांस कमरिया। तो जैसा कि गाइस देखिए, यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और हेयर वॉश भी किया हूँ, तो इसको पूरे अच्छी तरह से पानी ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे झटकार देने से, मुझे देख के खुद हंसी आ रहा है, ऐसे झटकार देने से बाल मतलब पानी जल्दी निकल जाते हैं। तो समय कह रही थी तुम्हें क्यों चुड़ैल जैसे दिख रही हो। और फ्रेंड देखिए, नहाने के बाद फिर मैंने चेहरे पर पहले ही टोनर और मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर लिया था, अब मैं क्रीम लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, अभी तो सीजन ऐसा चल रहा है ना कि तुरंत कुछ ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है, स्किन पूरा पैची पैची ऐसे दिखने लग रहा है। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे क्रीम लगा लिया है। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। काजल तो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर मैं ज़्यादातर काजल ज़रूर लगाती हूँ। और देखिए यहाँ पे सोमय कितना ध्यान से फ़ोन चला रही है। और फ्रेंड्स, ऐसे मैंने एक वीडियो में देखा था कि ऐसे बता रहे थे कि आपके पास ये जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा पतली होती है ना, तो अगर इसको हम खींच कर ऐसे पकड़ के लगाते हैं काजल, तो इससे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है, पता नहीं। और यहाँ देखिए, मैंने अपने ओठों पर वैसलीन भी अप्लाई कर लिया है और मेरे ओठ तो बहुत ही ज़्यादा फटते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने लिपस्टिक भी लगा ली। और डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, उसके पहले मुझे वो लगा लेना चाहिए वैसलीन वगैरह जो भी है, लिप केयर में जो भी करना है लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। एक्चुअली बाल जब गीले रहते हैं तो अच्छे से सुलझ जाते हैं, और नहीं तो सूखने के बाद थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। और मुझे अभी हेयर कट भी लेना है, देखिए मैं कब तक हेयर कटिंग कराती हूँ अपना। तो फ्रेंड्स, यही सब चल रहा था हम लोग का। ये मॉर्निंग के बाद नियर अबाउट 11 o'clock का टाइम है। और यहाँ पे मैंने अपने बालों में सीरम भी अप्लाई कर लिया है, सीरम से हमारे बाल नरिशमेंट होते हैं और साइन भी होते हैं और अच्छे रहते हैं, उलझते कम हैं। और फ्रेंड्स, अगर मुझे बोलने में कुछ गड़बड़ भी हो जा रहा है तो प्लीज़ उसको माइंड ना करिए क्योंकि अभी मेरे माइंड में कुछ चलने लग रहा है। और यहाँ देखिए, मेरे जो भी बाल टूटे थे मैंने उसको अच्छे से रोल किया, और बाल अगर ऐसे कहीं छोड़ देना तो फिर खाने वगैरह में आ जाते हैं, तो इसलिए उसको अच्छे से प्रॉपर डस्टबिन में डाल देना चाहिए जस्ट तुरंत कम करके। और यहाँ मैंने सारे अपने उलझे हुए बालों को सुलझा लिया है। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आराम से थे, कहीं जाना तो है नहीं, कोई काम तो था नहीं, तो इसलिए रूम में थे तो बहुत ही आराम आराम से सब कुछ कर रहे थे। और मैंने सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ आप लोग के साथ और दिखा भी दूँ। और फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग के माइंड में बहुत ज़्यादा सब चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, अभी कुछ पता नहीं है। जैसा भी होगा सारी अपडेट आप लोग के साथ देते शेयर करते रहेंगे। और फैमिली तो ये देखिए, यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, अपने गिल्ले बालों को सुखाऊंगी। और यहाँ मैंने टॉयल फैला दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो कॉटन वाली टॉयल होती है इससे मतलब बाल पोछने में बहुत अच्छा होता है, जो मोटी वाली टॉयल होती है ना सूख नहीं पाते है पानी जल्दी से। और फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग का सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था और लंच टाइम में हम लोग बनाएंगे ब्रेड रोल बनाएंगे, उसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हम लोग को नियर अबाउट 1.5 ईयर तो हो ही गया होगा ब्रेड रोल बनाए हुए। तो आज हम लोग सोचे हैं कि आज हम लोग के पास टाइम भी है, फ्री हैं, तो हम लोग ब्रेड रोल बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक
और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए प्लीज़। और फ्रेंड्स आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरा भी जल्दी से चैनल 1K कंप्लीट कर ले और मेरे चैनल का भी मोनेटाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग के प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़। हम लोग के लंच बनने में टाइम है, तब तक मैंने सोचा थोड़ा ग्रब्स खा लेती हूँ। फ्रूट्स खाते रहना चाहिए और मुझे फ्रूट्स में जैसे बनाना हो गया बनाना ग्रेप्स और ऑरेंज मैंगोज लीची ये सब मतलब अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं सीजन फल ज़रूर खाती हूँ।